हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल ईयर के एग्जाम से रिलेटेड जो फैसला आया था कि फाइनल ईयर की एग्जाम होनी चाहिए, उसके अलावा बच्चों को डिग्री नहीं दी जा सकती, तो उस फैसले से रिलेटेड आज अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उदय सामंत जी और बाकी के जो कुलगुरु है उनका आज एक मीटिंग था। तो उस मीटिंग में आज क्या क्या डिस्कस हुआ है उसके बारे में आज का डिटेल वीडियो रहेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसा एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो बात करते हैं इस मीटिंग में क्या-क्या डिस्कशन हुआ है। तो पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है कि आप लोग का जैसे कहा कि एग्जाम तो होने वाला है, लेकिन ये एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन नहीं होगा इसका मतलब जैसे कि आप हमेशा सेंटर पे वगैरह जाके पेपर लिखते तो वैसा नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको पता है कोविड 19 के केसेस यहां पे बहुत सारे ज्यादा है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है कि पहली बात तो आपकी एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगी, आपको फिजिकली जाके एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी कौन से ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे तीन पॉइंट के तरफ ध्यान दिया जा रहा है। पहला पॉइंट है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारा जो वाइस चांसलर्स थे उनका कहना था कि बहुत सारे प्लेसेस पे इंटरनेट का फैसिलिटी वगैरह या बाकी सब इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ये सब चीजें नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि अगर एग्जाम ऑनलाइन नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन है, तो दूसरा है असाइनमेंट बेस आपका एग्जाम रहेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है मेरे ख्याल से, तो यही ऑप्शन बेटर रहेगा। तो असाइनमेंट बेस एग्जाम के बारे में सोचा जा रहा है कि आपको जस्ट असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको कॉलेज को सबमिट करने का है और उसके बेस पे आपको पास किया जाएगा या उसके बेस पे आपको डिग्री दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि आपका ओपन बुक टेस्ट लिया जाएगा। तो ये कुछ तीन पॉइंट के ऊपर यहां पे डिस्कशन हो रहा है, और अगर ये तीन पॉइंट जो है उससे रिलेटेड ही कुछ तो फैसला आ जाएगा। अभी उसके लिए जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर है उदय सामंत जी, उन्होंने कहा है कि आने वाले दो तीन दिन में, मतलब शायद मंडे या ट्यूसडे तक ये एग्जैक्टली आपको डिक्लेयर हो जाएगी कि कौन से पैटर्न में एग्जाम होगी और कब तक होगी। जैसे कि यूजीसी ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले एग्जाम होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे एक इमरजेंसी मीटिंग था और इस मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई है। तो मैंने आपको ये चीज़ें आपको अभी बता दिए हैं, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आने वाले एक दो दिन में आपको एग्जैक्टली पैटर्न पता चलेगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा या आप लोग का ओपन बुक टेस्ट होगा या असाइनमेंट बेस्ड टेस्ट होगा, तो ये सब आपको पता चलेगा। उसके लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।